शिवम अग्रवाल मेरा नाम। क्या हुआ आपका? आज दोपहर का समय था, मेरी दुकान के बाहर प्रमोशंस के लिए स्टैंडीज रखी रहती हैं। मेरा मोबाइल का शोरूम है, मल्टी ब्रांड मोबाइल का, तो हम लोग प्रमोशन के लिए स्टैंडी बनवाते हैं, तो वो दुकान के बाहर रखी थी जो कि हमारी दुकान की हद में थी, नगर निगम के रोड में नहीं थी। तो वो स्टैंडी नगर निगम की टीम आई और उठा के ले गई, तो मेरे कर्मचारी ने मुझे फ़ोन करा कि सर हमने उनसे कहा भी, तो वो हंस के उन्होंने टाल दिया और बोले ये स्टैंडी अब नहीं मिलेगी। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि क्या नगर निगम कुछ ही व्यापारियों के लिए ये काम कर रही है या और व्यापारियों के लिए भी है? आज मैंने देखा मेरी दुकान के आगे जो स्टैंडी उठी थी, तो मैं अपनी दुकान से थोड़ा आगे बढ़ा ग्लोरी स्वीट्स तक, तो ग्लोरी स्वीट्स से लेके अशोका फॉर्म और मामा फॉर्म तक, जो कि चर्च है जहाँ पे, वहाँ तक ज़्यादातर व्यापारियों ने टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन का डिस्प्ले रोड पे कर रखा है, उसका कोई अतिक्रमण नहीं हो रहा है। इतने स्कूटर मोटरसाइकिल खड़े हैं तो नगर निगम उसके लिए कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जो स्टैंडीज दुकान के अंदर की तरफ रखी हुई हैं उन पर ही ध्यान दिया जा रहा है। और पहले आज से करीबन 3 या 4 साल पहले की बात है, रोडों पे साइड में सफ़ेद पट्टी पड़ी रहती थी जिससे पता लगता था कि हमारी गाड़ी सेफ है या बाहर है, चलान तो नहीं कटेगा। तो ऐसा मुझे पता लगा है कहीं से कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने भी इनको काफ़ी बार कहा है कि आप ये पट्टी डलवा दीजिए जिससे व्यापारियों को परेशानी का सामना ना करना पड़े या किसी के वाहन का चलान ना कटे, तो आज तक वो पट्टियाँ भी नहीं डली हैं। और जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि 4-5 बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरे शोरूम से ही स्टैंडीज उठा के ले जाते हैं। कभी मैं किसी अधिकारी या किसी भी जनप्रतिनिधि को फ़ोन करके वो स्टैंडी तो मंगवा लेता हूँ या ले आता हूँ खुद भी अपने प्रयासों से, लेकिन आगे जो व्यापारी हैं उन पे क्या किसी बड़े नेता या किसी बड़े अधिकारी का कोई संरक्षण है, कोई कुछ है? तो आप एक बार मुझे प्लीज़ कन्फर्म करें। और आज जब मैंने उनसे पूछा तो वो मुझसे बोले कि इसकी पर्ची कटती है निगम में, तो मैं समझ नहीं पाया कि पर्ची कौन सी कटती है, क्या वो अपनी पर्ची मांग रहे हैं या हमसे कोई लिखित में कोई एप्लीकेशन के लिए कह रहे हैं। तो इसकी ज़रा बड़े अधिकारियों से, माननीय महापौर साहब से मेरा अनुरोध है, मेरी एक हाथ जोड़ के विनती है, उनसे विनम्र निवेदन भी है कि इन चीज़ों पे थोड़ा वो देखें कि व्यापारी भाई परेशान ना होने पाए किसी भी कारण। बाकी नगर निगम में अभी तक तो कोई शिकायत नहीं की है, बाकी हमने आज सोचा है कि हम अपने और व्यापारी भाइयों को एकत्रित करके एक दो दिन में इसकी शिकायत माननीय महापौर और माननीय नगर आयुक्त जी को दें कि सर ऐसा क्यों हो रहा है। वैसे ही कोरोना महामारी को देखते हुए हमारे व्यापारों की स्थिति अच्छी नहीं है, हालात बहुत नाजुक हैं और आने वाला समय त्योहारों का है, तो अगर यही हाल रहा तो व्यापारी अपना व्यापार कैसे करेगा? हाँ, जब सामान उठाया तो मेरे यहाँ एक ये मैम है, इन्होंने कहा सर आप ये क्यों ले जा रहे हैं, तो वो हंस के बोले कि ये हर बार का ड्रामा है, ये है वो है, कुछ ऐसे ही शब्द उन्होंने प्रयोग किए।